अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी एवं मंदा गुप्ता ने सोमवार को कदमा के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल घूम घूम कर लोगों से सीधा संवाद किया। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने सोमवार को कदमा के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर जनसंपर्क किया। क्षेत्र में विकास कार्यों के जरिए क्रांति लाने वाले युवा एवं लोकप्रिय नेता बन्ना गुप्ता का लोग स्वागत करते देखे गए और अपने अपने घरों से निकलकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। बन्ना गुप्ता ने कदमा उलियान के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा रामनगर का भी दौरा किया। याद रखे सबूत बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। कदमा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। हाँ। राम कदमा उलियान भटिया बस्ती सब जगह जा रहे हैं। घर गए थे आदरणीय सुधीर महतो जी, स्वर्गीय सुधीर महतो जी की पत्नी है और हमारी भाभी हैं, उनसे भी आशीर्वाद हमने लिया है। अभी दौरा करना है अभी। हाँ बिल्कुल। अरे जीत गया भाई, जीत गया। जिसके लेने का उसका उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर अमिताभ कौशल ने सोमवार को सभी विधानसभा के कुल प्रत्याशियों की सूची जारी की, साथ ही तैयारियों की भी जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने क्रमवार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बूथों और मतदाताओं की कुल संख्या की जानकारी भी दी। डिस्टेंस की जो इलेक्शन ऑफिस स्थापित करने वाले इंस्ट्रक्शन, इलेक्शन ऑफिस स्थापित करने के हो, चाहे मतदान केंद्र के बाहर ऑन द डे ऑफ द पोलिंग अपना बूथ बनाते हैं उसके इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो व्हीकल कैंपेनिंग के हो, हेलीकॉप्टर वाले हो, सारे इंस्ट्रक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसके बावजूद अगर किसी को कोई दुविधा है, हम लोग ने कल एक स्पेशल मीटिंग रखी है कैंडिडेट्स के साथ, जिसमें ऑब्जर्वर 10:30 बुलाई गई है सेगमेंट के। इस मौके पर एसएसपी अमोल वेणुकांत ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी और भयमुक्त चुनाव संपन्न। 626 लोगों के से एंट्री बॉन्ड लिया गया है। इसके अलावा 107 के अंदर फाइनल बॉन्ड की कार्रवाई 75 अभी तक लोगों के विरुद्ध की गई है। इसके अलावा जो अन्य प्रिवेंटिव लॉज है उसे 82 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत 27 लोगों का डिटेंशन किया गया है। 41 के अगेंस्ट में तड़ीपार की कार्रवाई की गई है। 109 सीआरपीसी अंतर्गत 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई और 34 पुलिस एक्ट जो होता है उसके अंतर्गत 658 लोगों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की गई है। डेट ऑफ अनाउंसमेंट जब इलेक्शन का हुआ था, 602 करीब नॉन अवेलेबल वारंट्स पेंडिंग थे। अभी तक उसमें से 681 नॉन अवेलेबल वारंट्स का एग्जीक्यूशन किया गया है और 484 डेट ऑफ इलेक्शन के बाद में प्राप्त हुए थे। अभी कुल 320 वारंट्स पेंडिंग है। इसके साथ ही विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो इलीगल आर्मनेशन और लीकर के विरुद्ध, इसमें अभी तक 2 इलियाम्स और 7 कार्ट्रिजेस जब्त की गई है और जो लीकर के अगेंस्ट अभियान चल रहा है उसमें अभी तक 1606 लीटर जो है अवैध शराब बरामद की गई है और उसमें जो संलिप्त लोग थे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। और सेंसिटिविटी अवेलेबल फोर्सेस है और जो सीपे उसके साथ में सभी एरिया में एरिया डोमिनेशन और स्पेशल ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है जो बाहर से फोर्सेस आई। कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा लंबी दूरी की बसों की धरपकड़ के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा बसों की धरपकड़ की गई है। मानगो बस टर्मिनल विभिन्न क्षेत्रों के लिए जाने वाली लंबी दूरी की करीब 200 बसों का परिचालन होता है।
समय में बसों को लगा दिए जाने के बाद अब विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों की संख्या बहुत कम हो गई है। खासकर बिहार जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को हो रहा है, कोई वो लोग नहीं आ रहे हैं। रात में जाना हम लोग की जाना पड़ता है, कोई चाईबासा से आ रहा है, कोई बरवीन से आ रहा है, और जाना पड़ता है। चुनाव पकड़ धर पकड़ शुरू हो जाता है, ऐसे टाइम मांगा नहीं जाता है, और इसे आप अंदर बात है समझ में नहीं है। गाड़ी पकड़ा जाता है, उधर सवारी उठता है, ना रास्ता मिलेगा ना टेम्पो मिलेगा। दूसरी बात ले इतना भी थोड़ी गाड़ी नहीं पकड़ना चाहिए, तो समझ इतने तारीख से इतने तारीख गाड़ी पकड़ना चाहिए। अब गाड़ी आ रहा है की संख्या भी कम हो गई है। कल परसों आए थे जो बिहार की 200 गाड़ी अभी कितना हो गया, आधे से ज्यादा गाड़ी पकड़ा गई। गाड़ी नहीं है जाने के लिए, अच्छा यहाँ अपग्रेड करके आए हैं बच्चों सहित। इतना परेशानी हुआ कि मैंने उतार दिया, गाड़ी मिलेगा, गाड़ी कम होने के कारण दुनिया भर का जो हॉकर है ये लोग हम लोग को परेशान करते हैं, जिससे हम लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। ट्रेन जाते हैं, ट्रेन से जाने पर जमशेदपुर विधानसभा सीट के झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी अभय सिंह ने क्षेत्र में पदयात्रा के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से एक बार मौका देने की अपील की। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कमलजीत कौर गिल ने भी पदयात्रा की और जनसंपर्क अभियान चलाया। बटम कहाँ दबेगी, हम गरीब भाइयों बहनों की बटम कहाँ दबेगी। बाबू ड्यूटी पड़ा हमारा।